अस्सलाम वालेकुम। आज हम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं। परसेंटेज होती क्या है? व्हाट इज परसेंट? अ नंबर, रेट और अमाउंट इन ईच 100 इज कॉल्ड परसेंट। हर 100 में से, हर 100 में से जो आपके पास अमाउंट आता है या जो रेट होता है किसी चीज का, ये जो नंबर आपको अचीव होता है आउट ऑफ 100, उसको हम परसेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव 20 रेड बॉल्स एंड यू हैव टोटल 100 बॉल्स। तो हम क्या कहेंगे कि रेड बॉल्स की जो परसेंटेज है टोटल बॉल्स के रिस्पेक्ट से, वो 20% है। अब इस चीज को इमेजिन करें कि आपके पास जो टोटल बॉल्स है वो 50 है और रेड बॉल्स 20 है, तो फिर आप उसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? क्योंकि परसेंटेज तो 100 में से जो अमाउंट होता है ना उसको कहते हैं, तो 20 जो रेड बॉल्स है ये तो आउट ऑफ 50 है। हमें चाहिए कि रेड बॉल्स अगर ये टोटल 100 होती तो कितनी रेड बॉल्स होती, तो इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? फिलहाल हमें नहीं पता कि जो रेड बॉल्स हैं वो टोटल बॉल्स का कितने परसेंट है, तो हम इसको मान लेंगे कि ये एक्स परसेंट है। हम कहेंगे कि जो 20 रेड बॉल्स हैं दे आर एक्स परसेंट ऑफ 50। एक्स परसेंट ऑफ 50 इज इक्वल टू 20। फिर आपको ये जो राइट साइड पे बल्ब है इसके नीचे परसेंट का सिंबल नजर आ रहा होगा और उसके आगे इक्वल के आगे आपको 1/100 नजर आ रहा होगा, ये उसकी वैल्यू होती है। यानी कहीं पे भी अगर आपने सिंबल को नंबर से रिप्लेस करना हो तो सिंबल की वैल्यू होती है 1/100 परसेंट, हर 100 में से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स मल्टीप्लाइड बाय, जहाँ पे परसेंट है वहां पे 1/100 लगा दिया, और ऑफ जहाँ पे भी आ जाए मैथमेटिक्स में उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो उसको भी हमने मल्टीप्लीकेशन सिंबल से रिप्लेस कर दिया। मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू 20। 50 और 100 जो है वो 1/2 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे, तो जो डिवाइडेड बाय 2 होगा वो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू 40। और चूंकि x जो है वो परसेंटेज को रिप्रेजेंट करे, इसलिए हमने इसके साथ परसेंट का सिंबल लगा दिया कि x इज इक्वल टू 40%। थैंक यू।